यहाँ से टोकन लेके आने वाले हो ना, तो हम यहाँ पे बीच में खड़े होंगे आपको वेलकम करने के लिए। ठीक है, आइटम भी अच्छा है, कॉस्ट भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है, हम सब कर रहे हैं कि अच्छा है। देखिए दोस्तों, मेरे लिए पानी पूरी आ रही है। हेलो एंड वेलकम टू मज्जे वाला स्ट्रीट फूड। दोस्तों मैं हूं चंद्रकांत सुथार। दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप वो चिंता मत करिएगा कि वीडियो लंबी है तो कोई बात नहीं, आप ज़रूर से उसको पूरी देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको यह जो वीडियो में मज़ेदार बनाने वाला हूँ उसकी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ। दोस्तों आजकल जो फूड की इंडस्ट्री है ना, उसमें एक वर्ड जो है कॉमन हो गया है, अनलिमिटेड का। और अनलिमिटेड में आपको हर जगह पानी पूरी भी मिलेगी, डोसा भी मिलेगा, पिज्जा मिलता है, और उसके साथ साथ पाव भाजी भी मिलती है। हर जगह सब कुछ अलग अलग मिलता है आपको, वो भी अनलिमिटेड। और उसकी जो प्राइस रहती है वो ज्यादा रहती है, जैसे कि 250, 300, 350। बट आज जो मैं जगह लेके आया हूँ आपके लिए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 129 और प्लस GST मिला के 135 पर पर्सन। 12 से ज़्यादा आइटमें यहाँ पर 135 में मिलती है। और 135 में आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पानी पूरी है अनलिमिटेड, चाट मिलती है अनलिमिटेड, डोसा मिलता है अनलिमिटेड, मंचूरियन है, फ्राइड राइस है, इडली है, बहुत सारी चीज़ें हैं, 12 आइटमें हैं जो आपको अनलिमिटेड मिलती है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 135 में। दोस्तों ये अपना टोकन आ गया है, चलिए अब मैं अंदर जाता हूँ। टोकन यहाँ पर गेट पर ही हमें सबमिट करना है और फिर अंदर जाना है। और अंदर जाके ही देखिए दोस्तों कितना रिच इसका जो एनवायरनमेंट है वो है, और इसकी जो लाइटिंग है वो देखिए आप, लाजवाब। दोस्तों हमने टोकन लेके यहाँ पर एंट्री ले ली है, तो यहाँ पर एक सपोर्टिंग के लिए बंदा आया है। हेलो हेलो, नाम क्या है आपका? हेमिल पंचाल। हेमिल पंचाल, आप यहाँ पर मेरी वीडियो देखकर आते हो तो हेमिल पंचाल से जरूर मिलना, सर्विस अच्छी देगा आपको। तो हेमिल सबसे पहले तो मुझे बताओ कि यहाँ की जो सीटिंग एरिया है वो कितनी होगी? पानीपुरी ब्रांच भूता पे 400 से 450 का सीटिंग है, और ऊपर की जो स्पेस है ना वहाँ पे हम 180-200% का पार्टी बुकिंग ले सकते हैं, वहाँ पे भी सीटिंग हो जाता है 80-200। हमारा जो मेनू है ना, हमें उसमें से पानीपुरी, बेल और डोसा हम सर्व करते हैं टेबल पे। अच्छा, हमारा स्टाफ सर्व कर देता है और आपको बाकी जो चीज़ें होती है ना वो बुफे में से लेनी होती है। ओके, यहाँ पर आपका स्टाफ कितना है? हमारे यहाँ पे स्टाफ तो बहुत है, 25 से 30 जन का स्टाफ है। 25-30 जन का स्टाफ है, आपको 2 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ा, आप मांगोगे ना तुरंत आपको कुछ भी मिल जाएगा। ओके ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी 6:30 बजे हैं और 6:30 बजे भी आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा जो था अंदर वाला वो पूरा पैक हो गया है। यहाँ पर जो कस्टमर्स से खा रहे हैं तो थम्स अप कर रहे हैं कि अच्छा है, तो बाद में इनका रिव्यू भी हम लेंगे। ये यहाँ के काउंटर्स हैं अंदर वाले, चलो यहाँ अंदर जाके हम देखते हैं कि काउंटर यहाँ पर सेल्फ सर्विस में क्या क्या चीज़ें पड़ी है। सबसे पहले यहाँ पर प्लेट पड़ी है, यहाँ पर बड़ी प्लेट है, स्पून है, फोर्क भी है और टिश्यू भी है बहुत सारे। नीचे देखिए आप, ये कटोरी भी है। और ये यहाँ का है पूरा मेनू, इसमें क्या क्या आइटम है आपको मैं बता देता हूँ। ये क्या है? ये सूप है, ये मंचाउ है, और ये वाला जो है सांभर है, तपम, फ्राइड राइस, शेजवान नूडल्स, सिंगापुरी स्टाइल में बनाया था, सिंगापुरी स्टाइल में शेजवान नूडल्स, और ये है छोले पूरी है, छोले, और उसके साथ में है पूरी, ये है मंचूरियन, ये पाव के लिए भाजी जो होती है वो, और ये उसके साथ में पाव है, ये लहसुन खिचड़ी है, और ये देखिए ये दोस्तों लहसुनिया खिचड़ी है, और इसके साथ ये है पाइनएप्पल का सीरा। क्या बात है, जिसको स्वीट भी पसंद है उसके लिए स्वीट का ऑप्शन भी है, बहुत सही। और सेल्फ सर्विस में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कस्टमर्स है यहाँ के लेके खा रहे हैं। ये पूरा पानी पूरी का काउंटर है, यहाँ पर हमें पानी 2 मिलते हैं, उसके साथ ये जो आप मसाला देख रहे हैं वो आपको मिलता है। और कैसे देते हो आप मसाला, कैसे देते हो काउंटर पे? अच्छा देखिए दोस्तों, ये पूरा ऐसे सेटअप दे देते हैं, और उसके साथ साथ ये जो पानी के जग हैं वो दे देते हैं। पानी में भी आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, कितना सही है, एक पानी नहीं 2 पानी मिलते हैं। चलिए अब हम जाते हैं बेल के काउंटर पे और दिखाते हैं मैं आपको कि यहाँ पर बेल भी बनती है और वो कैसे बनती है। अभी ये जो बेल है
वो एक टोकरी में डाल रहे हैं, बाउल में छोटे छोटे, और ये सर्व करने के लिए ये पूरी जो प्लेट है आपको टेबल पे ही सर्व करेंगे, आपके पास आएंगे, आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो क्या है कि गीला हो जाता है तो हम तुरंत ही बना के देते हैं ताकि गीला ना हो। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर जो लाइव डोसा बनता है उसके काउंटर पे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो लाइव डोसा है वो कैसे बनता है। यहाँ पर जो डोसा है ना वो आपको टेबल पे सर्व करेंगे, आपको यहाँ उठ के आने के लिए ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर आपको टेबल पे सर्व करते हैं उसका मेन जो खास आपको प्रॉफिट क्या है कि वो आपको गरम गरम मिलेगा। और उसके साथ साथ हाँ, मुझे एक और चीज़ भी पता चली कि यहाँ का जो सांभर है वो बेस्ट है। बटर में बनता है। देखिए दोस्तों, ये ऑयल नहीं है, बटर है, बटर में डोसा बनते हैं। और ये जो सारी चीज़ें देखो आप, रिफिल तुरंत ही हो जाती है। मैसूर मसाला डोसा बन रहा है पूरा, देखिए। ये 135 जो प्राइस रखी है और उसमें इतनी सारी चीज़ें आपको वो भी इतनी क्वांटिटी में मिल रही है, अनलिमिटेड। बहुत मैं तो आपको यहाँ ये जो जगह है 100% रिकमेंडेड करूँगा कि आप यहाँ आओ और यहाँ के सारी चीज़ें आप टेस्ट करें, एक एक होके सारी चीज़ें आपको टेस्ट करनी चाहिए। इनसे भी हम पूछते हैं कि यहाँ का जो टेस्ट है उनको कैसा लगा, क्वालिटी कैसी लगी। मेन तो 135 में लोग ऐसा सोचते हैं कि क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो वो भी हम यहाँ पर पूछ लेते हैं, वो भी कस्टमर से। ऑल गुड है, आइटम भी अच्छा है, कॉस्ट भी अच्छा है, सर्विस भी अच्छी है। तो लोगों का आप रिकमेंडेड करोगे? हाँ श्योर करूँगा कि हाँ आना चाहिए, विजिट करना चाहिए, एक बार आओ आपको पता चलेगा। कॉस्ट भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, ऑल गुड है। थैंक यू। महेश ठक्कर। और आपको यहाँ का टेस्ट कैसा लगा? सब आइटम में एकदम परफेक्ट टेस्ट है, कोई भी आइटम में आप शिकायत नहीं कर सकते, एकदम बढ़िया टेस्ट है और मज़ा आ रहा है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ का जो आइटम है सारा जो वो गर्म गर्म मिलता है, ऐसा ही मिलता है? नहीं, गर्म मिल रहा है। गर्म मिल रहा है। और आपको पर्टिकुलर कोई एक चीज़ पसंद आई हो या सब आइटम पसंद आई है कि किसी के अंदर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके अंदर टेस्ट नहीं है, पर्टिकुलर सब आइटम के अंदर टेस्ट मेंटेन किया हुआ इन लोगों ने। थैंक यू। मंचाओ सूप दोस्तों, गरम गरम है पूरा। ये है फ्राइड राइस, देखिए उसके अंदर दोस्तों मंचूरियन भी है। थोड़ा थोड़ा लेते हैं सब कुछ। ये जो है सेजवान नूडल्स है, जो इन्होंने बताया कि सिंगापुरी स्टाइल से बनाया हुआ है, वो भी चलिए हम ट्राई करते हैं। थोड़ी थोड़ी आइटम लेता हूँ ताकि मैं फुल ना हो जाऊँ। फिर यहाँ पर है मंचूरियन, ये देखो रिफ़िल हो गया पूरा, अभी खाली हुआ था और ये पूरा रिफ़िल हो गया गरम गरम। वाह, चलिए मंचूरियन भी ले लिया है। अब आ रही है बारी भाजी की, चलो भाजी भी साइड में यहाँ पर ले लेता हूँ। अब है ये, इसको बोला था लहसुनिया खिचड़ी, इसके अंदर थोड़ा लहसुन है, गार्लिक जो है वो है, गार्लिक वाली खिचड़ी है। और ये है स्वीट आइटम, पाइनएप्पल जो होता है उसका सिरा बनाया हुआ है, पाइनएप्पल का हलवा। ये मैंने प्लेट में ले लिया है पूरा। और भाजी हमने ली है तो थोड़े पाव भी ले लेते हैं। ये पाव ले लिया, बाकी सारी आइटम है बाद के लिए रखते हैं। तो पूरी प्लेट मेरी रेडी हो गई है, मैंने अपना टेबल सिलेक्ट कर लिया है एक अच्छी सी जगह पर, और यहाँ पर मैं बैठ के सारी चीज़ों का मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे लिए पानी पूरी आ रही है, पूरा बास्केट में ऐसे सर्व करते हैं पानी पूरी, देखिए। और ये पानी की बोतल भी है साथ में, ये मसाला है और ये दो पानी है। पूरी जो है पूरिया पूरा बास्केट भर के दे दी है। ये मेरे लिए भेल भी बहुत अच्छी दिख रही है, अब टेस्ट भी करेंगे इसको।
फिर बताता हूँ। सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ यहाँ का जो नाम है पानीपुरी.com, तो पानीपुरी से ही हम शुरुआत करेंगे। एक बड़ी सी पूरी लेंगे, उसको तोड़ा है मैंने और उसके अंदर फिल करेंगे उसका स्टफिंग मसाला जो है, आलू है उसके अंदर, चने भी है। और सबसे पहले एक पानी ट्राई करेंगे, ये जो नॉर्मल दिख रहा है मुझे, ज़्यादा मसाला वाला नहीं है, वही हम ट्राई करेंगे। वाह, फिल कर दिया पूरा। ये तो दूसरा पानी था वो बेस्ट है, गार्लिक वाला पानी है, बेस्ट है सही में। इसका जो मसाला है वो भी मुझे अच्छा लगा, जैसे हम लारी पे खाते हैं वही वाली फीलिंग आ रही है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा स्वीट से। ये पाइनएप्पल का सिरा है, स्वीट वाला टेस्ट आ रहा है। हम जो पाइनएप्पल जाम खाते हैं ना, हल्का हल्का वैसा भी टेस्ट है, मज़े वाली चीज़ है ये। ये मैंने फर्स्ट टाइम खाया है पर बहुत अच्छा लगा। दूसरी चीज़ मेरी नज़र जा रही है सबसे पहले मंचूरियन पे, तो मंचूरियन में ट्राई करूँगा। दोस्तों इतना अच्छा लगा कि मैंने एक साथ दो मंचूरियन खा ले लिए। तीन आइटम में टेस्ट किए मैंने, तीनों के जो टेस्ट है वाकई में बहुत अच्छा है। और क्वालिटी तो मैंने सबसे पहले मैंने कस्टमर से रिव्यू लिए, उसमें पता चल गई, उन्होंने सबके सारे जो रिव्यू थे वो सारे पॉजिटिव थे। और यहाँ की पानीपुरी जो नाम है पानीपुरी.com, तो पानीपुरी तो सबको पसंद है, सबको पसंद आती है। अब ट्राई करूँगा फ्राइड राइस है वो। राइस थोड़े ठंडे हो गए पर टेस्ट जो है वो अच्छा है। ठंडे इसके लिए हो गए कि मैंने यहाँ पर लाके थोड़ा टाइम लिया है आपको रिव्यू देने में। मेरे हिसाब से आप एक बार तो यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिए, आप अहमदाबाद में हैं तो यहाँ की जो विज़िट करनी बनती है दोस्तों। और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर बात करते करते पूछी, तो यहाँ अहमदाबाद में इनकी पूरी तीन ब्रांच है, एक है निकोल, एक है मोटेरा और एक है यहाँ पर गोता। गोता ब्रांच पे मैं आज आया हूँ। ये गोता ब्रांच का जो एनवायरमेंट है पूरा ओपन है, कवर भी है और ओपन भी है, गार्डन एरिया आपको मिलता है अच्छा सा बैठने के लिए। और जो निकोल और मोटेरा वाली ब्रांच है वो एक रेस्टोरेंट के टाइप है, पर वहाँ की प्राइस भी सेम ही है 135 और पूरा मेनू भी सेम है। बातें करते करते मैंने पाव भाजी टेस्ट की, पाव भाजी का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। टेस्ट मैंने इतने सारी चीज़ें की हैं, सबका टेस्ट वाकई में अच्छा आ रहा है, तो अब तो ये जो प्लेस है 100% रिकमेंडेड करने लायक है। तो आप यहाँ की विज़िट ज़रूर करें, सबके साथ भी आ सकते हैं, अकेले भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए बातें बहुत हुई, अब मैं अपना खाना स्टार्ट करता हूँ।